दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार पड़ना चाहता हो, जबकि जीवन की सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी ना कभी बीमार नहीं पड़ता हो। और अगर आप बीमार पड़ ही गए तो एट द बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में यही बात रहती है कि मैं कैसे फास्टेस्ट तरीके से ठीक हूँ, नंबर वन, सेफेस्ट तरीके से ठीक हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए दो और बीमारियाँ ले आऊँ। तीसरी बात, एविडेंस बेस्ड तरीके से ठीक हो, यानी कि ठीक होने की जो पद्धति है वो एविडेंस बेस्ड हो, सबूत के साथ हो। और चौथी बात, ऑफ कोर्स, लो कॉस्ट तरीका हो। इन चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज से कुछ साल पहले हमने रिलीज़ किया था, आप सबको बताया था, द DIP डाइट। आप में से जो लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, आपने देखा हजारों हजारों लोगों को ठीक किया, अपने आप को ठीक किया, किस तरह से DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि फूड एज मेडिसिन, द फर्स्ट डायमेंशन टू हील अ पेशेंट, दैट इज फूड एज मेडिसिन। आपने फूड एज मेडिसिन यूज़ किया थ्रू DIP डाइट, थ्रू 3 स्टेप फ्लू डाइट, और आपने पेशेंट्स को ठीक किया, हार्ट डिजीज़ ठीक किया, कैंसर ठीक किया, या फिर जो कोरोना बोलते हैं उसको ठीक किया। और आप में से वो लोग जो फूड एज मेडिसिन नहीं जानते, फूड की ताकत नहीं जानते, इसी वीडियो के आखिर में मैं एक टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, उस टेस्टिमोनियल से आपको फूड एज मेडिसिन की ताकत दिख जाएगी। दूसरा डायमेंशन जो पिछले साल मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी एज मेडिसिन, कैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करके जो फ्रीली अवेलेबल पावर है, फोर्स है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको यूज़ करके किस प्रकार आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द सेकेंड डायमेंशन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन भर गए हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, ट्रांसप्लांट की बात बोल दी गई है, तो आपको सिर्फ यूज़ करना है ग्रेविटी एज मेडिसिन। आप में से वो लोग जो EPM पैरामेडिक हैं, आप में से वो लोग जो हिम्स के डॉक्टर हैं, आपने देखा पिछले कुछ महीनों में हजारों हजारों लोग जो डायलिसिस पे थे, लेकिन उन्होंने ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ किया और अपने आप को डायलिसिस मुक्त कर लिया, अपने किडनी को रिवाइव कर लिया, पूरी तरह ठीक हो गए। ग्रेविटी एज मेडिसिन का नमूना देखने के लिए इसी वीडियो के अंत में देखें टेस्टिमोनियल, उससे आपको ग्रेविटी एज मेडिसिन की ताकत पता चल जाएगी। द थर्ड डायमेंशन टू हील, दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। इसी महीने के शुरुआत में मैंने आपको ट्रेनिंग दिया था हाउ टू यूज हीट एज मेडिसिन, खास तौर पे जो इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, या जिसे अभी COVID-19 बोलते हैं, या ओमिक्रॉन बोलते हैं, या डेल्टा बोलते हैं, ये सब बीमारियां जिससे लोग डर रहे हैं या जिसका एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, अगर आपने हीट प्रोटोकॉल यूज़ किया, हीट एज मेडिसिन यूज़ किया, तो कुछ घंटों में, 1 या 2 घंटों में आप ठीक हो सकते हैं। इसी महीने के शुरुआत में हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, आपने ट्रेनिंग लिया, ये खास ट्रेनिंग, और उसके बाद आप लोगों ने लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया, और ठीक कर करके आप वीडियो भी मुझे भेज रहे हैं कैसे फ्लू होते ही, फीवर होते ही, कमजोरी आते ही, बॉडी एक होते ही, आपने हीट प्रोटोकॉल यूज़ किया, 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल, और दो घंटे के अंदर ही पेशेंट ऐसे ठीक हो गए जादू की तरह जैसे वो बीमार थे ही नहीं। जिनके लिए हीट प्रोटोकॉल नया है, इसी वीडियो के आखिर में थर्ड टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हीट एज मेडिसिन यूज करके कोई भी इंसान आराम से ठीक हो सकता है या ठीक हो रहा है फ्रॉम द फ्लू, फ्रॉम द इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि कोविड, कोरोना या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने की, वो भी हीट एज मेडिसिन विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑल अक्रॉस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक नया डायमेंशन, द फोर्थ डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन एज मेडिसिन। वाइब्रेशन एज मेडिसिन, वाइब्रेशन एज मेडिसिन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण। इमेजिन कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है, उसमें अलग अलग म्यूजिशियन हैं और सब बड़े एक्सपर्ट म्यूजिशियन हैं और सब बड़े एक्सपर्ट म्यूजिशियन हैं और उनके पास बजाने को गिटार एक्सेट्रा अपने अपने इंस्ट्रूमेंट हैं। वो सारे लोग बड़ा अच्छा बजा रहे हैं अपना अपना इंस्ट्रूमेंट। अब वो जो साउंड आपको सुनाई दे रही है वो आपके लिए म्यूजिक होगा या आपके लिए नॉइज होगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो म्यूजिशियन है वो आपस में लय ताल के साथ बजा रहे हैं, आपस में हारमोनी के साथ बजा रहे हैं, या फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बजा रहे हैं, कोई हारमोनी नहीं है। अगर कोई हारमोनी है तो दैट इज़ ए म्यूजिक फॉर यू, और अगर हारमोनी नहीं है, आपस में कोरिलेशन नहीं है, देन इट बिकम्स अ नॉइज फॉर यू। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट, उसका हार्ट भी अच्छा है, लंग भी अच्छा है, किडनी भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बेहद बीमार है।
इसका मतलब सारे ऑर्गन के बीच में जो ताना बाना है, द कोरिलेशन, द वाइब्रेशन, उसे ठीक करना है. दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन एज मेडिसिन, द फोर्थ डायमेंशन. ये चारों डायमेंशन अगर आप यूज कर पाते हैं, सो दैट इज द फास्टेस्ट, सेफेस्ट, मोस्ट एविडेंस बेस्ड एंड लो कॉस्ट वे टू हील अ पर्सन. तो चौथा डायमेंशन आपको अगर सीखना है, आपको समझना है, आई एम गोइंग टू लॉन्च द फोर्थ डायमेंशन ऑन 27th of February, 27 फरवरी दोपहर को 12 बजे, ओनली एट coronakaal.tv. 27 फरवरी संडे है, संडे को मैं आपको इंतजार करूंगा 12 बजे एक नए डायमेंशन के साथ. दैट इज द फोर्थ डायमेंशन, राइट? द फर्स्ट डायमेंशन फूड, ग्रेविटी, वाइब्रेशन एंड हीट. और आगे इसी वीडियो में देखिए वो तीन इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनियल्स. वो तीन इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनियल देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. नमस्कार, मेरा नाम सुमन है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जिला हिसार से. काफ़ी टाइम पहले जब मेरा बच्चा 3 महीने का, तो मेरे ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई थी और धीरे धीरे उसमें गांठ बन गई थी और पेन बहुत होता था और लेफ्ट वाला हैंड भी काम करना बंद कर गया था और कमर में भी काफ़ी दर्द रहता था. तो मैंने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करवाया तो पर उनसे कोई मेरा खास फर्क नहीं पड़ा. जब तक दवाइयाँ लेती थी तब तक ठीक, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता था. तो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी की वीडियो सेंड की थी, तो मैं उनको देखती देखती वो अच्छी लगती थी कि हाँ ये कोई काम की बढ़िया चीज़ है, इससे इलाज हो सकता है, मुझे विश्वास हो गया था उनसे. तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे DIP डाइट प्लान बताया था उन्होंने, तो मैंने 3 महीने किया था. इन्हीं दिनों की बात है, 1 साल हो गया पूरा. तो उससे धीरे धीरे मेरा पेन भी खत्म हो गया ब्रेस्ट का और गांठ भी चली गई और मेरा हाथ भी बहुत अच्छे से ठीक हो गया, क्योंकि उस साइड में सो ही नहीं पाती थी जिस साइड ब्रेस्ट में गांठ थी और हाथ में पेन था, लेफ्ट वाले में दर्द होता था उसमें बहुत ज़्यादा. तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उनकी वजह से मेरी ये दिक्कत ठीक हो गई बिना दवाइयों पर. 1 साल है मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी. हाय, मेरा नाम हर्ष दुबे है, मैं वाराणसी से आया हूँ. मुझे 1.5 साल से किडनी का प्रॉब्लम है. मैं पूरी इंडिया में हर जगह चक्कर काट चुका हूँ. जैसे स्टार्टिंग में मुझे पता चला तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैं PGI में गया, उसके बाद अपोलो में गया, दिल्ली अपोलो इंद्रप्रस्थ था वहाँ पे गया, उसके बाद एक कर्मा आयुर्वेदा था वहाँ पे रहा, उसके IPD में 45 दिन रहा, लेकिन मुझे कोई फर्क समझ में नहीं आया. और भी साई संजीवनी था वहाँ पे भी गया, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 14 दिन से, मुझे यहाँ पे बहुत फर्क है. मेरा 5 डायलिसिस होना था, अभी तक 5 डायलिसिस नहीं हुआ, 5 डायलिसिस डक चुका है. हीमोग्लोबिन 1.5 बढ़ा है, पहले 7 था अभी 9.5 हो चुका है. और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी किसी का डायलिसिस नहीं बंद हो सकता. और मेरा अचानक डायलिसिस बंद हो गया और मुझे डायलिसिस की कोई ज़रूरत है नहीं. मुझे फिजिकली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट लग रहा है. उसके बाद यहाँ पे वही ट्रीटमेंट देते हैं, क्या बोला जाता है, डाइट इनका बहुत अच्छा है. पहले तो इतना परहेज कराते थे, मेरा 90 kg वेट था, अभी 55 बचा, लेकिन इनका सुबह में फ्रूट वगैरह है और डाइट बहुत अच्छा है, वो खाने में मज़ा भी आ रहा है और मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ. मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सही भी हो रहा हूँ और इंजॉय भी कर रहा हूँ. मतलब ऐसा पेशेंट बन के यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक इंजॉय लाइफ इंजॉय भी कर रहा हूँ और सही भी हो रहा हूँ. यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और BRC सर ने हम लोगों के जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाया है. हम लोग तो जीने का उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि डॉक्टर जो डॉक्टर मिले सब ट्रांसप्लांट बोल चुके थे, और ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता क्या नहीं होता कुछ मालूम नहीं था. उसके बाद कितने दिन चलता कितने दिन नहीं चलता उसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आया हो तो मुझे पूरा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अब सही भी हो जाऊंगा. आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर BRC सर के बारे में जो उन्होंने बताया था कि आपको कोई भी फ्लू के 2 घंटे में ठीक कर सकते हैं, वही चीज मैंने अपनाया है और वही ट्रिक के बारे में आपको बता रहा हूँ. क्योंकि उन्होंने जो बताया था कि 5 तारीख को उनकी ट्रेनिंग थी, लाइव ट्रेनिंग, तो मैं उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर से. और मैं उस चीज को कल इस टाइम पे मेरी बहुत बुरी हालत थी और फीवर 100 डिग्री के पार था, क्योंकि घड़ी के कांटे से डबल चल रहा था मेरी नाड़ी, और मैं उस चीज को दिमाग से निकल गया. तो मैंने यूट्यूब में सर्च करके उनको देखा और आपका तरीका मैंने अपनाया कि आप ऐसे बाल्टी में 40 डिग्री सेल्सियस में पानी डाल के आप उसको पेट डालें और बोल देते कि मुंह में कुछ गर्म करे. तो मैंने इस चीज को अपनाया था, एक तावा लेके ऐसे रुमाल लेके
इस टाइप से सांस लेके छोड़ा और लगभग मैं आधी घंटा इस चीज को किया। आधे घंटे के बाद मैं 10:30 बजे सो गया और लगभग लगभग मेरा 10:30 बजे सोने के बाद 2:30 बजे मैं सो के उठा तो मेरा शरीर पसीना पसीना था और मेरा पूरा फीवर जा चुका था, बिल्कुल शरीर मेरा नॉर्मल था, कम से कम 70% रिकवर हो चुका था। पर मैं उठ के भी काम पे भी गया, काम करके भी आया। नेगेटिव दिन में भी ज़्यादा वीकनेस उतना नहीं था, पर हाँ थोड़ा वीकनेस था और मैं मेहनत करके भी आया। इस चीज़ के बीआरसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद चीज हुई और मेरा टाइम और पैसा दोनों बचा। और इसके लिए आपको जितने भी तारीफ करें इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। और इस चीज के लिए आपने महान खोज की है और बस धन्यवाद बहुत बहुत आपका, इसमें बहुत लाभ हुआ मुझे। थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।